पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, मगर अब भी सरकार के आदेश का इंतजार है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और विपक्ष सरकार पर चुनाव में देरी करने का आरोप लगा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सही समय पर चुनाव करवा लिया जाएगा, सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। देखिए इस रिपोर्ट में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हो रही देरी अब विपक्ष के लिए सियासी मुद्दा हो चुका है। विपक्ष सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहा है। विपक्ष की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, इसकी सूचना भी सरकार को दे दी गई है। आयोग को सरकार के इशारे का इंतजार है। पता चला है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे चुनाव का कार्यक्रम का खाका तैयार करके अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष लगभग एक महीना पूर्व भेज चुका है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से जानबूझकर पंचायत चुनाव को टालने पर अड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि विगत एक महीने से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम पर अनुमोदन राज्य सरकार का नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पंचायत चुनाव पूरी तरह से टल रहा है। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव के टलने से झारखंड राज्य को केंद्रीय जो अनुदान मिलने वाला उसे काफी अरबों रुपए की राजस्व का क्षति राज्य को होना संभावित है। चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार के मंत्रियों के अपने तर्क है। हालांकि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम विपक्ष को नसीहत देते हुए ये दावा भी जरूर करते नजर आ रहे हैं कि एक महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अभी अभी आपने कहा कि चुनाव आयोग भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है। प्रशासन का एक्टिविटी हम लोग ने कराए, विभागी कराते हैं। चुनाव बहुत जल्द होगा, इसीलिए हर स्तर से काम करें, बूथ कितना होगा ना उसका मॉनिटरिंग करें, वोटर लिस्ट छपाने का काम करें, पुनरीक्षित करें, छपाने का काम करें, सारे काम तो हम लोग कर चुके हैं। और चुनाव हम लोग कराने जा रहे हैं, यह इसमें नहीं गलत फहमी में नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उठा रहे हैं तो हम मैंने यहाँ के लोगों को और सभी को कहना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव बहुत जल्द हम लोग करा लेंगे, इस बात का हम पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं। और उस दिशा पर सरकार आगे बढ़ रही है। बोलते हैं ऐसा बयान जो लोग देते हैं उनको ये समझना चाहिए कि पंचायती चुनाव कितना आवश्यक है और सरकार क्यों इसे टालना चाहेंगी। पंचायत चुनाव अगर नहीं होते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं, तो जो हमारी 15वें वित्त के जो राशि है उससे हम वंचित हो जाएंगे। सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि पंचायत का चुनाव हो जाए, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण पंचायत चुनाव में विलंब हुआ और अब लगभग लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। घोषणा करना राज्य सरकार का काम नहीं है, वो निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग जब भी घोषणा करे, सरकार तैयार है पूरी तरह से। पंचायत चुनाव के लिए 45 दिनों की आवश्यकता होती है। निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। अब जैसे ही राज्य सरकार का आदेश जारी होगा, आयोग 1.5 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कार्य पूरा करा देगा। सभी जिलों में मतदान केंद्रों सहित अन्य टास्क पूरे कर लिए गए हैं। पंचायत चुनाव आयोजित कराने के लिए राज्य भर में 53,480 मतदान केंद्रों को फाइनल किया जा चुका है। पंचायत चुनाव के जरिए 264 प्रखंडों में 4,345 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 53,479, पंचायत समिति के 5,341 और जिला परिषद के 536 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।